हरे कृष्णा। तो गाइज आज हो रहा है 11:15 और हम जा रहे हैं फूटा जोड़ा। इसकी पहली सीरीज में देखी थी आपने, जो करीबन 6 या 7 ऐसे कुछ मंथ पहले आई थी। उसमें हम कार में गए थे, काफी हमारे साथ वाले गए थे वहां पर। हम गए थे और हमने चूरमा, दाल बाटी चूरमा बनाया था और काफी आपको बताया था। तो गाइज इस सीरीज में क्या है कि वो लोग टाइम में थोड़ी सूट हो रही है, पिछली थोड़ी ज्यादा थे। इस बार तो हम, मैं और दीपक ही जा रहे हैं। तो गाइस जैसे आपको बताने जा रहा हूँ, हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में हमने जो कमी महसूस की थी फर्स्ट सीरीज में, उस कमी को इस सीरीज में पूरी करेंगे। तो गाइस आप बने रहिए, हम जा रहे हैं। तो भाई तुम्हारा भाई पीछे तो आ गया, यहाँ पर आएगा दीपक। अभी तक तो आया नहीं, उसको वेट कर रहे हैं, वो आता है फिर दिखाएंगे आपको। तो फाइनली गाइस आ गया तुम्हारा भाई दीपक। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत जगह पे कुछ अच्छी वाइब लेने के लिए। और मैं एक बार आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी जाओ और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो आपका भी आने का मन करेगा। और फर्स्ट सीरीज में जो हमने कमी महसूस की उसको सेकंड सीरीज में पूरी कर देंगे अच्छी तरीके से बता करके। आप फर्स्ट सीरीज में देखा था ना, काफी मजा आया था, उससे भी ज़्यादा। तो आप हमारे साथ वर्चुअल बने रहे और एक दिन अपन साथ चलेंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं। अब सफर दिखाते हैं सड़क का। गाइस अभी डलवाए इसमें पेट्रोल 100 रुपये का, तो हम जा रहे हैं। क्या ये क्या है? ये मैरिज होम, ये है मैरिज होम, यहाँ पर करी जाती है शादियाँ, विवाह, वाह, गठबंधन, गठबंधन। तो गाइस यहाँ पर एक कोचिंग आएगी जहाँ मैं 9th 10th में आता था। कौन सी है भैया, जल्दी बताओ। मतलब आप इस कोचिंग में पढ़े हुए हो? ये इस कोचिंग में पढ़ता था, कितना से उसे बन गया है। मतलब कोचिंग वाले सोचेंगे यार कृपा करती है तो। थी तो इधर ही कोचिंग, पता है ये थी शायद, है ना, इधर ही थी। हाँ। ये थी ना, ये थी ना, अरे यार ये थी, ये टावर की साइड। तो क्या है गाइस, मैं आता था घर से, तो मैं 2 दिन तो आया, मैं नहीं आऊँ। घर वाले बोले क्यों, क्या हुआ? पैदल नहीं जाऊँ। तो गाइस पीछे आपने देखा कि दीपक भैया की कॉलेज वो कोचिंग थी। तो पता नहीं मेरी आवाज़ आपको कितनी पहुंच पा रही है, क्योंकि इस टाइम हम मैं बाइक पर, तो बाइक पर वैसे गाड़ी पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी बाइक को अभी कम चला नहीं आई है, तो अभी आपका बाइक सीख रहा है। तो उधर गोविंद भैया भी कहीं पर गए हुए हैं, उनको लेके आए। तो जब पूरी ड्राइविंग आ जाएगी, आपको बाइक सीख जाएगा, तब कार से भी जाएंगे, तो फिलहाल बाइक से जा रहे हैं। तो ये बाइक का मज़ा अलग ही है यार, बाइक कार और बाइक का दोनों का मज़ा अलग अलग। क्या इसी क्या हो रहा है, सड़क की जैसी की जा रही है। गाइज अब हम रुके हैं, मतलब ये तो सीधा पीछे चल जाएगा रास्ता फूटा जोड़े, उधर से आता है ये कोटपुतली और ये पीछे हमारा चल जाएगा नदी की तरफ। जो सीरीज आपने परसों की वीडियो में देखी होगी, जो हम सूखी नदी बता रहे थे, जिसको सावी नदी बोलते हैं, उसका रास्ता है ये पीछे, जहाँ पर हमने काफ़ी एडवेंचर किया था। तो आप कभी कोटपुतली से ऐसे आओ ना, तो इस तरफ मुड़ना पड़ेगा आपको और ये जाएगा फूटे जोड़े। तुम्हारे साहब दीपक भैया है, इनको बताने के लिए रुके थे कि किस तरह से रास्ता जाएगा, ऐसे ऐसे हम आए थे ना, तो ये हमारे साथ तो आ नहीं पाए थे। इधर अभी जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि फूटा जोड़े जाके थोड़ी भक्ति महसूस करने, क्योंकि आज शुरू से ही मतलब उठे तो हमें महसूस हुआ कि हमें भक्ति करनी चाहिए। हमने थोड़ी भक्ति कम कर दी थी इतने दिनों से, तो वो भक्ति अब बढ़ाने के लिए आए हैं फूटा जोड़े। तो गाइस हमारे साथ दीपक भैया, तो आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भगवान को याद करें हर टाइम, और जो भी आपकी ड्यूटी है उसे निभाए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। तो गाइज अपना जो जन्म है ना, इसलिए होता है कि भगवान की भक्ति करके उनके नजदीक जाया जाए, क्योंकि ये संसार सागर ना किसी का है ना किसी का रहेगा आगे।
किसी का था ही नहीं ये संसार, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, तो इस टाइम में भगवान ही अपन को मुसीबत में आड़े आते हैं। तो अपन ऐसा करके चले कि शुरू से ही भक्ति करें तो हर हमेशा भगवान अपना साथ निभाए, अपने साथ रहे। अपन क्या करते हैं, दुख में भगवान के पास जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर टाइम भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में थोड़ा घूम लिया फिर लिया, काफ़ी पैसा कमा लिया, काफ़ी अपनी औकात बड़ी कर ली, लेकिन अगर थोड़ा भक्ति नहीं की ना, थोड़ा मतलब आध्यात्मिक थोड़ा जीवन नहीं जिया, तो कुछ नहीं गया, ऐसे समझना आप। तो आज फिर जा रहे हैं यहाँ पर, आपको बताने के लिए कि रास्ता किधर जाएगा, आप आना चाहो। गाइस हमारे साथ बने रहे आप। गाइस गाइस सामने पेड़ बताओ, सामने देखो मैं कार चला रहा था, पेड़ आ रही थी ओहो भैया देखो ये क्या हो रहा है यार, ये क्या है, इनको अक्ल ही नहीं है। हाँ ताऊ जी, तो गाइस डिफिकल्टी लाइफ में भी आती है। तो गाइज हम पूछ चुके हैं फूटा जोड़ा और हमारे हाथ में प्रसाद, और गाइज ये वही जगह है, ये पीछे जोड़ा है इधर ये मंदिर, आपको ऐसे करके बताया था ना पिछली वीडियो में, तो ये वही जगह है, लगभग यहीं पर खड़ा हो गया मैं, वीडियो शूट कर रहा था आपको बता रहा कि पहले आपको जोड़ा दिखाएंगे फिर मंदिर दिखाएंगे। तो गाइज अभी फिलहाल मंदिर में जा रहे हैं, जोड़े में बाद में आए घूमेंगे, पहले प्रसाद, पहले भगवान थोड़ी भक्ति करेंगे। ठीक है गाइज अब जा रहे हैं, थोड़ा दीपक भैया तो गए आगे बाइक खड़ी करने, मैं पैदल जा रहा हूँ, सीन भी काफ़ी अच्छा है। एक बार घूम के बता देता हूँ आपको, ये जगह है ना लिटरली मतलब काफ़ी अच्छी है। कभी अगर हम कई बार मन नहीं लगता है ना, तो कई बार क्या करते हैं, सरुंडाली माता जाते हैं, बिरला जाते हैं, या यहाँ पर आ जाते हैं। ये तीन चार जगह हैं कोटपुली में, फिलहाल तो इन्हीं में बचपन से इन्हीं में जाते जा रहे हैं हम। ये पीपल का पेड़ काफ़ी बड़ा है, इस यहाँ पर गाड़ी लगा के आपको बताया था पहले, सामने मंदिर, ये वो पीपल का पेड़ है जिसके ऊपर अभी थोड़े दिन पहले आए थे, हमने चढ़ने की कोशिश की थी उस डाले को, पर वो डाला दिखाऊंगा आपको। तो भैया चले, हाँ तो भाई हम आ चुके हैं फाइनल, ये पीछे घूम के दिखा देते हैं आपको, ये है मंदिर। मैंने ऐसे इसका है ना ये लगा रहा थंबनेल में, ये मंदिर लगा रखा था ऐसे फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं और वो लोग शूट कर रहे हैं। तो गाइज बिस्तर जाते हैं, दिखाते हैं आपको। ठीक गाइज बने रहिए, अंत तक देख रहे हैं इस वीडियो। तो गाइज अभी मंदिर के दर्शन कर लिए, भगवान कृष्ण के भी साइड में मूर्ति थी, उनके भी दर्शन किए, हनुमान चालीसा पढ़ी सात बार, और गाइज अब आ रहे हैं बाहर की ओर, आ चुके हैं हम थोड़े बैठे हैं। ये पीपल का पेड़ आप देख पा रहे हो, पिछली वीडियो में आपने देखा को यहाँ पर हम खड़े होकर बता रहे थे, हमारे वो अंकल ने कुछ बताया था आपको। गाइस जी वही है जिस पर मैं इसको पकड़ करके, ये है ना, ये इसको पकड़ करके इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, लूमने की कोशिश की थी, और ये फिलहाल हमारे साथ है दीपक भैया। तो दीपक भैया तो गाइस आप ये बताएं, आप में से किस किसने सात बार हनुमान चालीसा पढ़ी है? तो गाइस कमेंट करके ये जरूर बताना, क्योंकि गाइज मैं दिल से पूछ रहा हूँ, ये बात दिल से पूछ रहा हूँ, तो बता ही देना। ठीक है गाइज, तो गाइज अभी हम मंदिर के अंदर गए थे, वैसे मंदिर के अंदर मैं शूट तो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को भी कुछ वीडियोज में पहले के मैं शूट किया हुआ हूँ, तो मेरे को फील हुआ कि भगवान की ऐसे मतलब फोटो अपने पीछे भगवान का डे ऐसे अपन लोग बना रहे, तो ये अच्छा नहीं होता। मतलब भगवान दिल में तस्वीर बनाओ भगवान की, ऐसे वीडियो में दिखाना गलत बात है। तो गाइज मैं आगे से है ना थोड़ा कम ही कोशिश करूंगा, ऐसे मंदिर के बाहर का जरूर दिखा दूंगा, लेकिन ऐसे फोटो को ऐसे दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो हेलो गाइज, तो गाइज हम हमारे पीछे ये हैं थोड़े, क्या बोलते हैं इनको, क्या है इनको आप कमेंट करके बताएं। अरे ये बताऊं क्या होते हैं गाइज, ये मतलब कि अगर पत्थर भी एक बनाने गए कोई स्वामी वगैरह लेके आते हैं, तो विशेष मंगलवार के दिन तीन चार जने स्वामी लेके आए, तो अलग अलग उनके लिए बनाने के लिए, मतलब कोई इसमें बना ले, कोई इसमें बना ले, कोई इसमें बना ले, ऐसे। तो भाई इसके ऊपर थोड़ा चढ़ने की कोशिश करेंगे हम, जा रहे हैं मैं और दीपक, थोड़ा खोजबीन करते हैं इनकी क्या सिस्टम है। काफी मतलब ये देखो गाइस डबल कैमरा कैसे चालू करते हैं इसका, आग लगाई जाती है इसके अंदर यहां पे भगवान का प्रसाद बनाया जाता है। गाइस देखो लोग कितनी गंदगी कर रखी है, ऐसे ऐसे मत किया करो यार, हमारे सब्सक्राइबर्स तो मत करना।
भाई ये थोड़ा कमरा सा बन रहा है, भगवान के नाम पर करना। ये थोड़े कमरे से बने कुछ बनाने के लिए, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं स्वामी लिख के भगवान के भोग लगाने के लिए। जैसे हम आए हैं हम तो वैसे आ गए गाइज, पिछली बार स्वामी लेके आए थे, हम काफ़ी बार आ चुके हैं ऐसे तो, उसकी एक ही वीडियो बनी थी, उसके बाद में भी खूब बार आ चुके हैं लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि आज हमारा थोड़ा वो कॉलेज का सिस्टम था, जो अब फिलहाल तो एग्जाम आ रहे हैं अभी भी। गाय जिनके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये पेड़ देखो चढ़ते चढ़ते पहुँच जाएंगे एक दिन ऊपर। गाइज फिलहाल तो छत के ऊपर आ गए हैं और पीछे टेंट लग रहा है किसी की शादी होगी। इसके ऊपर आके ना गाइज मंदिर का अच्छे से व्यूज मिल पा रहा है मेरे को, तो शायद ये है ना इसकी थंबनेल भी बन सकती है। तो दीपक एक बार थंबनेल खींचना गाइज। अब फिलहाल काफी सूट हो गया, काफी एंजॉय किया, अब घर जा रहे हैं घर की ओर। ठीक है ये गाइज जो दी है ऊपर से पानी पड़ रहा है, इसमें बचपन का सिस्टम याद आ गया, बचपन की नानी की याद आ रही है। फिलहाल तो हम जा रहे हैं, चले भैया बिल्कुल ना तो नहीं सकते क्योंकि ये बार स्विमिंग पूल में नहा लिया, नहीं इसमें तो आने मन में नहीं आएगी। भाई सामने हनुमान जी है, देख के बताओ हनुमान जी। भाई यार काफ़ी अच्छी लोकेशन मिली यार ये मंदिर। गाइज मेरी थोड़ी शीशे में फोटो देख लो, बैक कैमरे से नहीं सुन कर पाऊँगा, ये इधर से ऐसे चले क्या मंदिर तो है। तो गाइज नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे आपको, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, थोड़ा लेट से हो गए। कहते कितने अच्छे हम सुकून से भाई, कुटिया में यार सो रहे थे हम सुकून से। तो गाइज भाई को एक कुटिया पसंद आ गई है, थोड़ा हम इसमें रहने की सोच रहे हैं, तो बहुत मेहनत करनी है इस कुटिया के लिए, भाई को संन्यास लेना पड़ेगा। तो गाइज इस टाइम हम आ चुके हैं घर पर। गाइज रास्ते में हमारी बाइक बंद भी पड़ गई थी, फिर उसको हमने कैसे सही किया उसकी वीडियो तो नहीं बना पाए। वो क्या हुआ था कि उसका वो जो वायर ऊपर से आती है ना वो पलक के ऊपर लगता है, वो पलक है ना हट गया था, पलक से पीछे की एक डोर आती है वो हट गई थी। तो गाइज कोई वीडियो तो नहीं बना पाए, और गाइज हम आ गए हैं, काफ़ी इन्जॉय किया, और अब शाम की वीडियो जो भी बनेगी वो नेक्स्ट सीरीज भी बनेगी। तो गाइज आपको इतना ही बताना था, एडवेंचर कराना था, आपने खूब एडवेंचर किया होगा, नेक्स्ट सीरीज में काफ़ी मजा आया होगा आपको। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जो भी है, और आप नए हमारे वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले समय में आपके पास सीधा नोटिफिकेशन पहुँचे। तो गाइज ठीक है, इतना प्यार दिखाने के लिए शुरू से लास्ट तक देखने के लिए इस वीडियो को, जो लास्ट में देख रहा है ना वो इस बात को सुन रहा होगा, तो गाइज आपका है ना दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो गाइज ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं, हरे कृष्णा।